काली सी शकल की, तेरी 3.5 फुट हाइट है, समझ में आ गई? तू रोस्ट मारेगी, तेरे ऊपर थू है थू। कैरी मिनाटी तेरा बाप है जो तू उसके सपोर्ट में, नहीं मेरा बाप। तो कैसे हो आप लोग, इस वीडियो में बात करने वाले कि थारा भाई जोगिंदर के रिप्लाई के बाद स्पेशल ओनी आपा का क्या कुछ रिएक्शन आया, एंड आपको बताएंगे कि भुवन बाम एंड सलमान खान एक साथ आपको कहां पे दिखने वाले हैं। तो पहली अपडेट होने वाले सलोनियापा एंड थारा भाई जोगिंदर के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले सलोनियापा का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट किया था एंड कैरी में आती है ट्रिगर्ड इंसान को सपोर्ट किया था, जिसके बाद थारा भाई जोगिंदर ने बोला था कि कल सलोनियापा पर उनका रोस्ट वीडियो आने वाला है। दोस्तों फाइनली वह वीडियो आ चुका है जिसमें सलोनियापा के बारे में बात करते हुए थारा भाई जोगिंदर ने उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको काली तक बोल दिया एंड उन पर थूकने तक की बात बोल दी। तो देखिए एग्जैक्टली क्या कुछ कहा थारा भाई जोगिंदर ने। आ जाओ कुत्तों की फौज, सारे के सारे छपरी यूट्यूबर एक साथ आ जाओ, एक साथ बजाऊंगा। एक मिनट रुको रुको रुको, अभी हंसने का नहीं, हंसो, कान खोल के बात सुने। कहां गया तेरा कैरी मिनाटी? कैरी मिनाटी के अंदर हिम्मत नहीं बची आमने सामने मिलने की, तो लड़कियों को भेजेगा। और तेरी औकात काली सी शकल की, तेरी 3.5 फुट हाइट है, समझ में आ गई? तू रोस्ट मारेगी, तेरे ऊपर थू है थू। हिंदुस्तान में इतनी सारी बहन बेटियां है, कोई गाली देती है तेरे को छोड़ के? तू गाली देते तेरे को शर्म नहीं आती क्या? तेरे माँ बाप ने तेरे को संस्कार नहीं दिया क्या? गाली देने किसको बोलते हैं? तू गाली देगी क्या मेरे को? और तेरी औकात क्या है? कान खोल के बात सुन, एक बार अपनी वीडियो देख, तूने वीडियो में क्या बोला है? तेरी औकात मैं बताता हूँ तेरे को आज, तू मेरे को औकात की बताएगी। 2 मिनट रुक, अगर तेरी आज वीडियो में इतनी बेइज्जती नहीं मार दी ना, तो मेरा नाम बदल दिया। कान खोल के बात सुन, ला जा। ये वाली इस वीडियो इस छपरी यूट्यूबर तक पहुंचा देना और इसको बता देना अगली बार औकात में अपनी तहमीज के अंदर, समझ में आ गई? तुम लोग क्या सोच रहे हो? जो 2020 में हुआ था तुम लोगों ने टिकटॉक बंद कराया था, 2020 नहीं है इस बार, 2021 है। उदेड़ के फेंक दूंगा एक छपरी यूट्यूबर को जो उनसा बोल गया। और दोस्तों जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जोगिंदर ने बोला था कि वह ढिंढोरा का एपिसोड रिलीज नहीं होने देंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे एंड उसको रिपोर्ट भी करेंगे, बट दोस्तों आज थारा भाई जोगिंदर अपने बात से बिल्कुल पलट गया एंड उसने बोला कि उस टाइम उसने सिर्फ कैरी मिनाती एंड ट्रिगर्ड इंसान को बोला था। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए एग्जैक्टली क्या कुछ बोला थारा भाई जोगिंदर ने। बात बीबी की वाइंस ढिंढोरा वेब सीरीज आ रही है, मैंने ढिंढोरा वेब सीरीज के ऊपर बोला, सारे छपरी यूट्यूबर के लग गई आग, क्या हुआ? खुजाई मार गई, तुम्हें पता चला आज? तब तुम लोग ये लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, तुम लोग इनका मजाक उड़ाते हो, इनके दिल पे क्या बीतती है? मैंने एक पॉइंट का मार दिया, आग लग गई। और दूसरी बात अंकित भाई, तेरे को बोलना चाहता हूँ, जो बीबी की वाइंस का मैनेजर है, तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुम लाइव आए थे, भाई है, भाई करके बात बोल रहा हूँ, आपकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना भुवन बाम की मेरे साथ कोई लड़ाई है, ना आशीष चंचलानी के साथ मेरी कोई लड़ाई है, ना अमित बड़ाना के साथ मेरी कोई लड़ाई है, मेरी लड़ाई खाली इन रोस्टर के साथ है, और कोई सा बीच में आम मत जाना इस बार बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा, नहीं तो कोई साहब इनके बीच मत आना। तुम लोगों की वेब सीरीज के ऊपर नहीं बोला था मैंने भुवन बाम के ऊपर नहीं बोला था, मैंने इन छपरी यूट्यूबर रोस्टर के ऊपर रिप्लाई किया था। अगर तुम्हें लगता है ना मैंने तुम्हें बोला हो, तुम्हें नहीं बोला, इन छपरी यूट्यूबर को बोला था, कैरी मिनाटी को बोला था, उसकी हिम्मत क्या हो गई? आप लोगों ने उनको नहीं बोला, तू क्यों उसको परोस्ट कर रहा है, क्यों उसको बोल रहा है? मैं इस बार कपड़े तार दूंगा एक एक के, कान खोल के बात सुन लियो, कैरी मिनाटी तेरे को भी बोल रहा हूं। और जो ये लड़की है ना, जा पालिका बाजार, 150 रुपए की तेरी औकात है, 150-150 रुपए में तू वहां पर सैंडल खरीदती है, 150-150 रुपए में तू वहां पर कपड़े खरीदती है, तू मेरे को बताएगी क्या? जो ये जैकेट पहन रहा हूं तेरे पूरे घर की सैलरी नहीं होगी जितने की ये जैकेट है, समझ में आ गई? अगली बार गाली मत दे दिया वीडियो के अंदर, तेरे को बोल रहा हूं
इस बार लड़की समझ के माफ कर दी। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि थारा भाई जोगिंदर के रोस्ट वीडियो के बाद सलोनियापा का इस पे क्या कुछ रिएक्शन आया एंड कैसे सलोनियापा ने फिर से थारा भाई जोगिंदर का यहाँ पे मजाक उड़ा दिया। तो देखिए क्या कुछ बोला सलोनियापा ने। जोगिंदर भैया क्यों ऐसा कर रहे हो यार, कल आपने स्टोरी डाली थी कि सलोनियापा कल का दिन तेरे दुनिया का सबसे बुरा दिन होगा, आज का दिन पूरा मौज मस्ती से निकल गया मेरा। शाम को आप वीडियो डाल रहे हो, वो भी वही सेम चीजें बोल के, औकात में रहे छपरी यूट्यूबर वगैरह वगैरह। और हाँ, कल आपने स्टोरी में ये लिखा था कि कैरी मिनाटी तेरा बाप है जो तू उसके सपोर्ट में, नहीं मेरा बाप तो नहीं है पर आपकी लुगाई थोड़ी बगाई जो इतना जल रहे हो उससे। इनका तो मतलब चलते ही रहेगा। और दोस्तों सलोनियापा के बॉयफ्रेंड धीरू मौंची का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट किया था, जिसके बाद थारा भाई जोगिंदर ने अपने आज के वीडियो में धीरू मौंची के बारे में भी बात किया एंड यहाँ पे कैरी मिनाती को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो आके आमने सामने लड़, एंड उन्होंने बोला कि बहुत ही जल्द वह यूट्यूब को भी बंद करवा देंगे। तो देखिए थारा भाई जोगिंदर ने एग्जैक्टली क्या कुछ बोला था। जो धीरू मौंची का ना, जो तेरा बंदा है ये भी नहीं आएगा तेरी सपोर्ट में, इस खस्सी को बोल देना जाके ये धीरू मौंची के तेरे भी कपड़े तार दूंगा साथ में, तुम दोनों ने धंधा खोल रखा रोस्ट मारने का। तेरा भी रिप्लाई आएगा, रुक जा बेटा, तेरा भी रिप्लाई आएगा, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर एक एक को समेट दूंगा इस बार। अरे ये वाला संदेश कैरी मिनाटी तक पहुंचा देना। अरे ओ चश्मे, तेरे अंदर हिम्मत नहीं बची, तू इनको भेजेगा, आ जा आमने सामने, आमने सामने आ जा। 2020 में भूल गया याद है, बहुत डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा था, बहुत रोज कर रहा था, अब आ जी आमने सामने, तेरा करियर खत्म कर दूंगा कह के, समझ में आ गई। वो टिकटॉक था, अरे वो थारा भाई जोगिंदर है तहमीज में, बता रहा हूँ मैं लड़की तेरे को तहमीज में, तेरे माँ बाप ने तेरे को क्या संस्कार दिया मेरे को ये बता, तू गाली देगी इस बार यूट्यूब रहेगा या थारा भाई जोगिंदर, यूट्यूब बंद कराना ये वाला। सारे भाइयों से यही कहूंगा, जितने भी वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को इन छपरी यूट्यूबर के मुंह पे फेंकना, और सारे मिल जाओ जितने भी इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, इनका यूट्यूब बंद कराना भारत से, आ जाओ, आ जा आ जा। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि थारा भाई जोगिंदर बार बार कैरी मिनाती को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि कैरी मिनाती एक बार उनका रोस्ट कर दे। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट होने वाले भुवन बाम के बारे में। दोस्तों भुवन बाम ने बताया कि आज रात को वह ढिंढोरा वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के शो वीकेंड के वार पे जाने वाले हैं, जहाँ पे वह सलमान खान के साथ स्टेज शो करेंगे। एंड दोस्तों कुछ दिन पहले जब एक इंटरव्यू के दौरान भुवन बाम से पूछा गया था कि आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे, तो उन्होंने बोला था हाँ मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगा बट एज अ गेस्ट, नहीं कि एज अ कंटेस्टेंट। तो देखिए एग्जैक्टली क्या कुछ बोला था भुवन बाम ने। क्या मेरा मन, अगर आप देखो लगा सकते हो सिफारिश तो बेस्ट हो जाएगा, वरना मन को आप पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे नहीं, या फिर एज अ गेस्ट जाना चाहेंगे? एज अ गेस्ट जाना चाहूंगा। और दोस्तों भुवन बाम की बारे में बात करें तो वह पहले यूट्यूबर है जो अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए अलग अलग टीवी शोज पे जा रहे हैं। एंड दोस्तों वह कहते हैं ना कि सपने देखते रहो, सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। तो मैं भी आप लोग से बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी सपने देखो एंड उसके पूरे करने के लिए आप लोग बहुत ही हार्ड मेहनत करो। तो दोस्तों अभी की अपडेट होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।